नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में एमएलसी के चुनाव होने हैं और तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी ने उम्मीदवारों के ऐलान कर दिए। हालांकि एनडीए की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऑफ द बीट यानी कहें कि प्रत्याशी जो हैं अपने अपने तरीके से चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीतामढ़ी में रेखा कुमारी, लगभग ये तय माना जा रहा है कि एनडीए की तरफ से रेखा कुमारी को एमएलसी उम्मीदवार बनाया जाएगा और वो चुनावी कैंपेन का मोर्चा जो है वो संभाल चुकी हैं। और आज जेडीयू के प्रदेश महासचिव मेजर इकबाल पहुंचे सीतामढ़ी, जहां उन्होंने रेखा कुमारी के लिए वोट मांगे और भाषण भी दिया है। सबसे पहले मेजर इकबाल का पूरा भाषण सुनिए। और इस समारोह में उपस्थित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तमाम मतदाता मालिकों और एनडीए के साथियों, हम तो सबसे पहले आभार प्रकट करते हैं बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी का, आदरणीय इस जिला के प्रभारी मंत्री जमा खान साहब का, कि इन लोगों ने सीतामढ़ी शिवहर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए एक सुयोग्य जुझारू और हर तरह से सामर्थ्यवान प्रत्याशी हम लोगों के बीच रेखा कुमारी जी को भेजा है। हम सहृदय उनके प्रति आभार करते हैं। मैं तो जिला संगठन का काम देखता हूं, इस नाते हमारा आना जाना इस जिला में होता रहता है, लेकिन इस बार माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी के निर्देश पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ललन बाबू के निर्देश पर और इस जिला के प्रभारी मंत्री जमा खान साहब के निर्देश पर मैं आज यहाँ सम्मिलित हुआ और आप लोगों के बीच अपने उद्गार अपनी चंद बातों को रखने का मौका मिला। दोस्तों, 2005 के पहले हम मतदाता भाइयों से कहना चाहते हैं कि 2005 के पहले आपकी शक्तियां, आपकी ताकत, आपका कार्यक्षेत्र क्या था और 2005 के बाद से अब तक आपकी ताकत कितनी बढ़ी है, आपकी शक्ति कितनी बढ़ी है। यह है जेडीयू के प्रदेश महासचिव मेजर इकबाल, जो कि रेखा कुमारी के लिए वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिला कहें कि इस बार का एमएलसी चुनाव जो है वो कई मायनों में रोचक होने जा रहा है। रोचक इसलिए क्योंकि एनडीए और आरजेडी के इतर भी, मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि वो भी उम्मीदवारों जो है वो सीटों पर उतारेंगे। तो AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी एमएलसी चुनाव में उतरने जा रही है, तो कई निर्दलीय प्रत्याशी भी उतरेंगे एमएलसी चुनाव में। तो कुल मिलाकर कहें तो रोचक होने जा रहा है, दिलचस्प होने जा रहा है और हर एक सीट पर कांटे की टक्कर होने वाली है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।